के और प्रेष्ठ के ही नाम को धारण करके प्रेम सेवा करे अनुक्षण। ये सहचरी भी कृष्णदासी श्यामादासी ऐसे अच्युतदासी ऐसे नाम का स्मरण करते हुए ये सेवा करती हुई उस समय विराजमान होती हैं, अपने निज नाम इत्यादि उनका स्मरण करते हुए ये सेवा करती हुई विराजमान। इस प्रकार से ही महाभाव है चिंतामणि सार, ये अपूर्व सार रूप होकर के विराजमान। तो अब श्री राधिका की सहचरी इन सबों की प्रेम सेवा उनका भी क्या वर्णन किया जाए, इनकी स्नेह पात्री किंकरी होकर के विराजमान हैं और ये इन लोगों की सेवा अत्यंत प्राणवंत है, युगल उज्जवल रस स्वरूप होकर के विराजमान है। अब इनका विभाजन करेंगे, समस्नेहा विषमस्नेहा ना करी हो दुहु लेहा, कहीं मात्र अधिक स्नेहा गणु निरंतर थाके संगे, कृष्ण कथा लीला रंगे नर्म सखी यही सब जन। समस्नेहा विषम स्नेहा, यहां पर पांच प्रकार की सखी उनका उल्लेख किया। सबसे पहली जो सखी है वो विषम स्नेहा, माने कृष्ण में ज्यादा स्नेह है, श्याम सुंदर में उसकी अपेक्षा कम है, वे कुछ सखी हुई। जैसे कुसुमिका विंध्या धनिष्ठा, ये कृष्ण स्नेहाधिकारी हुई। दूसरी जो सखी है वो समस्नेहा हुई, जैसे श्री ललता विशाखा इंद्रलेखा चित्रलेखा तुंग विद्या, ये सारी अष्ट सखी जिनका अभी अभी वर्णन किया, ये समस्नेहा होकर के विराजमान। परंतु इन समस्नेहाओं के भी यदि तराजू में तोला जाए तो कृष्ण के प्रति झुकाव इनका ज्यादा दिखेगा, राधिका के प्रति झुकाव इनका कम है। फिर कुछ सखी जो है वो कहीं प्रिय सखी होकर के विराजमान, अर्थात इनमें दीनता ज्यादा है, जैसे कि श्री नांदी मुखी श्री वृंदा धनिष्ठा, इनमें कहीं न्यूनता अपने आप को छोटा समझने की प्रवृत्ति, कुंजलेखा कौंदी इनमें न्यूनता विराजमान। और दूसरे प्रकार की जो सखी हैं, तो ये दो प्रकार की सखी हुई समस्नेहा में। अब श्री राधिका स्नेहाधिकार जो सखी हैं वे भी दो प्रकार की, कहीं प्राण सखी और कहीं प्रिय सखी। इनमें जो प्रिय सखी होकर के विराजमान है वे हैं श्री रूप मंजरी इत्यादि प्राण सखी होकर के, अन्य जो सखी हैं वे भी प्राण सखी होकर के विराजमान है, और जो साधन सिद्धा है वे भी प्राण सखी होकर के वहां विराजमान होंगे, प्रियालाल की सेवा करती हुई विराजमान होंगी। इनमें जो मंजरी गण है सखी स्नेहाधिका, उनमें ही विशेष रूप से भावोल्लास उसकी प्राप्ति होती है। तो समस्नेहा विषस्नेहा ना करे हुए दुहु लेखा, ये समस्नेहा और विषम स्नेहा ये दोनों प्रकार की सखी हैं। इनमें केहमात्र स्नेहा वर्ण अधिक स्नेह गण, इनमें कौन ज्यादा स्नेह वाली है कौन कम स्नेह वाली है ऐसा नहीं कहा जा सकता है, रस के स्वाद के लिए ये विभाजन कर दिया गया है। ये सभी सखियां निरंतर थाके संगे कृष्ण कथा लीला रंगे, निरंतर कृष्ण कथा में विराजमान होती हैं, नर्म सखी एरी सब जन, सभी ये सेवा करती हुई ही परिहास कर, नर्म कहते हैं हंसी करने का जिनको अधिकार, उसको नर्म माने हंसी करने का अधिकार जिनको है, तो इनमें नर्म सखी तो हंसी करती हुई विराजमान होंगे, जो अनुगता सखी हैं वे हंसी नहीं करती हैं, वे अनुगत दासी हैं, उनको हंसी करने का अधिकार नहीं है, परंतु कभी कभी ये भी कर ही लेती हैं, ऐसा नहीं है अधिकार भले नहीं है परंतु कभी कभी मुंह लगी हुई इतनी है कि कभी कभी ये भी प्रयास कर लेती हैं, और श्री प्रियालाल के साथ में
प्रयास करके उनके हृदय में, दोनों के हृदय में रस को बढ़ाती हुई विराजमान हो जाती है। यहाँ पर श्री अनंतदास महाराज उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात कही कि ये जो त्रिपदी है वो कहीं कहीं किन्हीं किन्हीं संस्करणों में प्राप्त नहीं पंत है, बड़ी उपयोगी। श्री गुरु गोस्वामी जी का जो सखी प्रकरण है वो सखी प्रकरण का ही अनुवाद है, समस्नेहा विषम स्नेहा। इनमें विषम स्नेहा में कृष्ण स्नेहा देखा और राधिका स्नेहा देखा, और समस्नेहाओं में कहीं प्रिय सखी और प्रिय नंद सखी, ये बिंदु जो भेद हैं वो ये पांच प्रकार के जो भेद हैं वो पांच प्रकार के भेद उनका ही यहाँ पर गणना की गई। और इनमें इन सखियों की ही सेवा का वर्णन किया गया। अब आगे विशेष रूप से श्री मंजरी गण जो है उन मंजरी गणों का रसोपासना में उपास रूप में यहाँ ध्यान किया जाएगा। और उनमें कहेंगे श्री रूप मंजरी सार, श्री रस मंजरी आर, लवंग मंजरी मधुंजोलाली, श्री रस मंजरी संगे कस्तूरी का आदरंगे, प्रेम सार सेवा करी कुतूहल। तो कब हम श्री रूपानुग हो करके सेवा करते हुए विराजमान। और बड़ा सुंदर प्रकरण श्री रूप गोस्वामी जी की जो तिथि समाराधना द्वादशी श्री रूप गोस्वामी जी की तिथि यही श्रावण श्रावण की विशेष रूप से, तो उसी प्रसंग में ये प्रसंग बड़ा सुंदर सामयिक प्रसंग होकर के पहले बोलो श्री रूप गोस्वामी पाद की गोविंद जय जय गोपाल गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय।